अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज इंग्लैंड में खेला गया। नाज़रीन, इस दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान टीम को इबरतनाक शिकस्त हुई। इस इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम के सीनियर फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, शोएब अख्तर क्या कहते हैं पाकिस्तान टीम की इस हार पर, क्या कुछ गलतियाँ निकालेंगे शोएब अख्तर, पूरी डिटेल आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी हैं पाकिस्तान टीम या शोएब अख्तर के फ़ैन, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके पाकिस्तान जिंदाबाद भी लाजमी से टाइप कर देना है। नाज़रीन, शोएब अख्तर ने ये अपना बयान जारी कर दिया है कि पाकिस्तान टीम एक मजबूत टीम है। आमिर और शाहीन शाह, आफरीदी, अमाद वसीम जैसे प्लेयर भी पाकिस्तान टीम में शामिल हैं, फिर भी पाकिस्तान टीम क्यों नहीं जीत सकती। बॉलरों ने तो बॉलिंग में तो कमाल कर दिखाया, लेकिन पाकिस्तान टीम का मिडल ऑर्डर और पाकिस्तान टीम की ओपनिंग जोड़ी, पाकिस्तान टीम का कप्तान बिल्कुल भी फ्लॉप हो गए। यूं तो दोस्तों पाकिस्तान टीम की बैटिंग भी ना चल सकी, बॉलिंग में तो पाकिस्तान टीम के जो सीनियर फास्ट बॉलर हैं अमाद वसीम जो स्पिन है और मोहम्मद आमिर ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया और पाकिस्तान टीम को हदफ मिला सिर्फ 184 रन का। जब चेज करने के लिए पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी आए तो फिर लेने लग गई, आउट होते चले गए। पाकिस्तान टीम ये मैच हार चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान टीम के लिए छोटा सा कमेंट लाजमी टाइप कर दें।